सेतु। जरा दिखाइए गौरीशंकर मंदिर की भी तस्वीरें इस वक्त। देखिए नवजोत, शिवरात्रि है आज, इसलिए पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो भक्तिमय हो गया है। राजा आपको एक बार तस्वीरें दिखाएंगे, अभी मंदिर में आरती हो रही है। आपने कहा था ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कांवड़ियों के लिए एक अलग लाइन है और जो बाकी आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए अलग लाइन है, जिससे कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो सीधा भोले बाबा को जल चढ़ा सके, क्योंकि एक लंबी यात्रा तय करके वो आते हैं, हरिद्वार से जल भरकर यहाँ लाते हैं और फिर भोले बाबा को चढ़ाने की जो उनकी कामना होती है उसमें किसी भी तरह की देरी ना हो, इसलिए एक लाइन जो है वो कांवड़ियों के लिए अलग से। और आप पीछे तस्वीरें भी देखेंगे राजू, उनका घर दिखाइए, कांवड़िए आ रहे हैं, ये जो लाइन है इसी से कांवड़िए आ रहे हैं और वो सीधा यहाँ आकर भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। एक हमें कांवड़िया मिल भी गए, कहाँ से आए? कोई कामना थी मन में जिसको लेकर? बस बाबा खुश रखे परिवार को और सभी पूरे देश को और सबको सही रखे, बस इतना ही होता है। आप भी कांवड़िया हैं, आपने भी जल उठाया है, बाबा को चढ़ाने आए, कितने दिन लगे पहले? 5 दिन लगे थे। हरिद्वार से जाम में बहुत पसरे थे। क्या कामना है मन में, क्योंकि लोग कहते हैं कांवड़ लोग एक कामना लेकर बोले बोले की कृपा से आते हैं बोली। वो तो देखिए भगवान की कृपा से आते हैं नवजोत, हम सब जानते हैं कि भोले बाबा इतने सरल हैं कि वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि उनके जो भक्त हैं सीधा हरिद्वार से जल भरकर लाते हैं और आज भोले बाबा का यहाँ अभिषेक किया जाता है। राजा जरा अंदर आके हमारे GNT के तमाम दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से भोले बाबा की यहाँ आज पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए नवजोत, हम कोशिश करेंगे कि हम मंदिर प्रांगण में आ सकें और तमाम जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी भोले बाबा के स्वरूप के दर्शन करा जी। देखिए यहाँ पर ये मंदिर का वो प्रांगण है जहाँ लोग भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं, भीड़ काफी ज्यादा है, यही वजह है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी तैनात है, साथ ही मंदिर के जो वॉलेंटियर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अंदर काफी भीड़ है, जो श्रद्धालु है वो भी पहुंच रहे हैं, साथ ही कांवड़िए भी यहाँ जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। और अगर हम बाहर बात करें, क्योंकि अब जब हम मंदिर प्रांगण में आ रहे थे तो बाहर एक शिविर भी लगा हुआ है जहाँ धीरे धीरे करके कांवड़िए आ रहे हैं और वहाँ रुक रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो ऊपर आकर भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। राजा एक बार अंदर आइए आप और हमारे तमाम जो GNT के दर्शक हैं उनको दर्शन कराइए भगवान भोले बाबा की, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग मंदिर में। फिलहाल लोग आरती भी गा रहे हैं, आरती चल रही है और यहाँ पर भोले बाबा का सुबह 4 बजे से ही जलाभिषेक जो है वो चल रहा है। खास बात यह है नवजोत, आज जो ये पूजा है ये पूरे दिन चलने वाली है। अमूमन हम देखते हैं कि भोले बाबा के मंदिर दिन में बंद हो जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर क्योंकि शिवरात्रि है और शिवरात्रि का खास महत्व है, उसको देखते हुए ये पूजा रात तक चलने वाली है। ये बहुत खास है यहाँ पर, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ श्रद्धालु जिनसे हमारी बात हो सके। कहाँ से जल लेकर? कितने दिन लग गए? हमें 5 दिन लग गए पूरे टोटल। पैदल गए? पैदल गए थे। कितने लोगों की टोली है? हमारी 6-7 लोगों की टोली है। 10 लोग? 10 लोगों की टोली है। चलिए बढ़ते जाइए आगे, क्योंकि वहाँ से इशारा हमको ये भी हो रहा है कि आप जल्दी जल्दी, क्योंकि इनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे आप भक्त आप देख पाएंगे कि किसी के पैर में पट्टी बंधी हुई है। बहुत आसान नहीं है कांवड़ यात्रा करना, लेकिन फिर भी ये भोले की भक्ति है और भक्ति में लीन ये तमाम भोले के भक्त। देखिए किस तरीके से इतना बड़ा सफर तय करके, जहाँ पर एहसास नहीं होता कि किसी तरह की कोई थकान हुई है या फिर भोले उनके साथ नहीं है, तो एक एक करके लोग जैसे जैसे पहुँच रहे हैं कांवड़िए, वैसे वैसे यहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है। और अभी फिलहाल आम लोगों के लिए कतार बंद कर दी गई है, उसको होल्ड किया गया है पीछे, और अब ये जो दूसरी कतार शुरू हो रही है ये अब उन लोगों की है जो जल लेकर आए हैं ताकि वो जल चढ़ा सके। ये सीधी तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं और गुड न्यूज टुडे पहला ऐसा चैनल है, हम बार बार आपको बता रहे हैं, जिसने संकल्प लेकर देश कल्याण के लिए संकल्प लिया था और फिर कांवड़ यात्रा की थी और यहीं पर हमारी कांवड़ यात्रा भी पूरी हुई थी।